कि अगर दोनों क्लस्टरिंग में एक ही वीडियो में अगर आप लोगों को समझाऊं तो दोनों मिक्सअप हो जाएंगे ओके okay? पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्लस्टरिंग क्या होती है ठीक so e है, है? क्लस्टरिंग होती क्या है कि आपको अपना डाटा सेट के अंदर से सबसेट बनाने ठीक है, है? आपके पास एक होता है जैसे ये देखो ये बना हुआ है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डाटा सेट है जहां पे मैंने

ग्रीन वाले डाटा पॉइंट्स इसमें होंगे ब्लू वाले इधर होंगे इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी थी दैट्स मैंने ब्लू को ब्लू के साथ रखा ग्रीन ग्रीन को green और orange को orange और ऑरेंज ऑरेंज के साथ रख रखकर मैंने क्लस्टर डाटा बना लिया ठीक इस तरह होती है हमारी क्लस्टरिंग ग्राफिकल फॉर्म में क्लस्टरिंग इज अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन अनसुपरवाइज सबसे इससे पहले हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कैसे काम करते हैं क्या करते हैं अब हाँ हम आगे हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में अनसुपरवाइज लर्निंग में होती है हमारे पास क्लस्टरिंग क्लस्टरिंग इज द टास्क ऑफ डिवाइडिंग द पॉपुलेशन और डेटा टू अंबर ऑफ ग्रुप डेटा इन द सेम आर मोर सिमिलर टू अदर डेटा डाटा इन द सेम ग्रुप एंड फ्रॉम द डेटा सिमिल्स इन द अदर ग्रुप ठीक है ये वही बात हो रही है कि अगर आप क्लस्टर्स बना रहे हो जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल्स है ठीक है तो ये सिमिलर तो होंगे अपने ग्रुप के अंदर लेकिन डिसिमिलर होंगे दूसरे ग्रुप से ठीक है अच्छा इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसमिलैरिटी बिटवीन देम ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर सिमिलैरिटी डिसमिलैरिटी देख दी डिसमिलैरिटी वालों को अलग कर देते हैं और सिमिलरिटी वालों को हम अलग अलग क्लस्टर्स बना लेते हैं ओके जैसे कि देखो अभी एग्जाम्पल है नेचुरल एप्पल्स बस प्लास्टिक एप्पल प्लास्टिक एप्पल्स हमने क्लस्टर बनाए उनका एक अलहदा से क्लस्टर बना लिया और जो नेचुरल एप्पल्स थे उनका हमने एक अलहदा से क्लस्टर बना लिया जिसको मैंने क्लास ए और क्लास बी से क्लासीफाई कर दिया ठीक है अब इसके अंदर हमारे पास आ जाती है एक हिरारकल बेस्ड क्लस्टरिंग ठीक है हिरारकल बेस्ड कलस्टरिंग क्या होती है इज अ कनेक्टिविटी बेस्ड क्लस्टरिंग मॉडल दैट ग्रुप्स द डाटा पॉइंट्स टुगेदर दैट आर क्लोज टू ईच अदर बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ सिमिलैरिटी और डिस्टेंस ठीक है वही बात है में भी कि क्या होता है कि कनेक्टिविटी बेस्ड क्लस्टरिंग है बेसिकली ये ठीक है थीके? इसमें देखी जाती है कि क्लस्टर्स आपस में कनेक्ट कैसे हो रहे हैं और इसके अंदर डिस्टेंस कितना है इसके अंदर कितनी है उसके अकॉर्डिंगली हम एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं न्यू क्लस्टर फॉर्म यूजिंग द प्रीवियस फॉर्म वन न्यू क्लस्टर कैसे होता है जो आपके पास प्रीवियस क्लस्टर क्लस्टर हुआ हुआ उसके थ्रू हम एक जनरेट कर लेते हैं अब इसके अंदर जो मेन टाइप्स है ना हिरारकल क्लस्टरिंग की ठीक है दो मेन जो टाइप्स हैं वो है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग एंड डिस्व क्लस्टरिंग ठीक हम जो पढ़ेंगे वो एग्लोमेरेटिव पढ़ेंगे और के मीन पढ़ेंगे के मीन जो आ जाती है वो

सही है अब हम देख लेते हैं लेतेम क्या होती है इंटरेस्टिंग क्या होती है कैसे करते हैं इसकी एग्जाम्पल में समझा रही थेराटिकल पोर्सन इसने समझाया क्योंकि टाइम वेस्ट होगा थेराटिकल पोर्शन जितना भी है वो आपके पास गूगल पे विकीपीडिया पे हर जगह पे अवेलेबल है आप लोगों ने कंसेप्ट समझना है वो यही चीजें बेसिक जो मैंने समझा दी है बेसिक क्लस्टरिंग को ही आगे पीछे करोगे तो के मीन बन जाएगा ठीक इसके कंसेप्ट में अगर आप लोगों ने समझना है तो आप गूगल पे जाओगे आप लोगों को देखोगे तो उसपे स्टेप्स बताए होंगे पहले स्टेप में ये करना है दूसरे स्टेप में ये करना है तीसरे में ये करना है चौथे में ये करना है देन आपके पास ऐसे आंसर आएगा स्कैटर प्लॉट करना है और वही चीज मैंने आपको यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में समझाऊंगी जिसके थ्रू तो आपको थ्योरी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी ठीक के मेन एग्जाम्पल में क्या है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डाटा सेट है जिसमें मेडिसिन है वेट है और पीके इंडेक्स है ठीक

ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नजर आ जाए सही अभी बहुत ज्यादा नीचे ना हो जाए हाँ यही है ठीक है अच्छा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है सी वन अब आपने आप दो क्लस्टर क्रिएट कर लिया स्टेप टू में क्या है आपने इस तरह टेबल बनाना है जिसमें आप लिखोगे अपने

अंडर रूट के अंदर आप लिखोगे ए की फर्स्ट वैल्यू सी की फर्स्ट वैल्यू माइनस होल स्केयर आ जाएगा प्लस फिर ए की सेकंड वैल्यू सी की सेकंड वैल्यू एंड देन होल ठीक है जैसे हो की फर्स्ट वैल्यू क्या थी वन और सी की फर्स्ट वैल्यू क्या है one, तो होल स्केयर फिर ए की दूसरी वैल्यू क्या है वन सी की दूसरी वैल्यू क्या है वन वन माइनस वन होल स्केयर ठीक है इस तरीके से ए का सी टू के साथ ए की फर्स्ट वैल्यू क्या है वन माइनस टू होल स्केयर ठीक है वन माइनस वन होल स्केर सही है इसी तरीके से अब जो हम बी में आएंगे बी की क्या है टू माइनस वन होल स्केयर वन माइनस वन होल स्केयर ठीक टू माइनस टू होल स्केयर टू माइनस वन माइनस वन होल स्केयर ठीक तो ये मेरा बी का भी हो गया इसी तरीके से सी और डी को हम निकालेंगे अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा नजर आ रहा है ठीक है इसी तरीके से मैंने कहा क्या किया बी सी सी का सी वन के साथ सी का सी टू के साथ तो मेरे पास ये क्या होता है कि ए सी वन के साथ जो वैल्यू आई जीरो उसको मैंने यहाँ ए सी वन के ब्लॉक में पुट कर दिया फिर ए सी टू की जो वैल्यू है ए सी टू में पुट कर दिया इसी तरह बी सी वन बी सी टू सी सी वन सी सी टू डी सी वन डी सी टू को पुटिंग कर दी ठीक है अभी हो गया हमारा स्टेप टू स्टेप टू तक हमारा काम हो गया अब स्टेप थ्री पे आते हैं स्टेप थ्री पे क्या हुआ अब हमने क्या करना है मेक क्लस्टर्स अब आपने क्लस्टर्स बनाने क्लस्टर्स कैसे बनाओगे सी वन के अंदर कौन से क्लस्टर आएगा और बी सी टू के अंदर कौन से आपके पास डाटा पॉइंट आएंगे मेडिसिन आएंगे हम क्लस्टर्स कैसे देख सकते हैं ए के अंदर सी वन है oh, सॉरी ए है ठीक कैसे देख लेते हैं देखो ए के अंदर देखना है इन दोनों क्लस्टर में से ए की वैल्यू किस में छोटी है ए की वैल्यू किस में छोटी है सी में छोटी है ए की वैल्यू जीरो जो है वो छोटी है किसमें सी वन में तो मैंने ए को सी में पुट कर दिया अब बी के लिए देखते हैं बी किसमें छोटा है सी में तो मैंने बी को सी में पुट कर दिया ठीक अब सी को देखते हैं किसमें छोटा है एट पॉइंट एट थ्री छोटा टू पॉइंट एट थ्री छोटा है जाहिर सी बात है तो सी टू में सी को भी पुट कर दिया हमने ठीक है अब हम डी के लिए देखते हैं तो डी किसमें छोटा छोटा है C में छोटा है में तो देन हमने डी को भी सी में पुट कर दिया अब हमारे पास ये बन गए एक क्लस्टर अलग से क्लस्टर बन गए जो हमारे वाकिफ बनने थे आइट्रेशन बन वन में तो हमने क्या किया था अज्यूम किए थे बट यहाँ पे क्या हो रहे हैं हम अपने क्लस्टर्स इस तरह सॉल्व करके क्लस्टर्स बना रहे हैं डेटा पॉइंट के थ्रू ठीक

ए बी सी डी चार नहीं है अब बी सी डी किसमें है सी टू में तो हमें क्या करना है फाइंड करना है बीसी डी की मैंने वैल्यू लिख ली जो कि मेरे पास क्वेश्चन में थी बी सी डी की वैल्यूज ठीक वो लिखने के बाद मैंने क्या किया बी की फर्स्ट वैल्यू सी की फर्स्ट वैल्यू डी की फर्स्ट वैल्यू को प्लस किया डिवाइड बाई थ्री कर दिया क्योंकि तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थ्री इसी तरीके से बी की सेकेंड वैल्यू सी की सेकेंड वैल्यू डी की सेकेंड वैल्यू को प्लस किया डिवाइड बाई थ्री किया जो इनका आंसर है वो मेरे पास क्या बन गया क्लस्टर नंबर टू क्लस्टर नंबर वन में मेरे पास ए की वैल्यू आ गई क्लस्टर नंबर टू में मेरे पास बी सी डी को प्लस करके डिवाइड बाई थ्री करके मेरे पास दो वैल्यूज आ गई अब ये मर गए मेरे दो नए क्लस्टर्स एट्रेशन वन में मैंने क्या किया था मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ में मैंने दो क्लस्टर में जो ए छोटा होगा वो उस क्लस्टर में चला जाएगा। इस तरह बी सी डी पे चला गया स्टेप फोर में मैंने क्या किया अगर तो एक वैल्यू है तो ओके okay। अगर लेकिन अगर एक से ज्यादा डेटा पॉइंट्स हैं एक क्लस्टर के अंदर तो हम उनको उनके आंसर्स को जो उनकी वैल्यूज उनको प्लस करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से करेंगे हमारे पास क्लस्टर टू बन गया अब हमने आइट्रेशन टू पे जाना है आइट्रेशन टू के लिए हमारे पास क्लस्टर ऑलरेडी बने हुए सी वन और सी टू जो हमारे पास क्लस्टर से वो हमने यूज किए ये सी वन का क्लस्टर है ठीक है और ये सी टू पिछले वाले में तो हमें क्लस्टर नहीं पता था तो हमने ज्यूम कर लेते अब हमें सी वन सी टू के क्लस्टर पता है पता है उसमें कौन से डेटा पॉइंट आ रहे हैं हमने वो ज्यूम नहीं करने अब ठीक स्टेप टू में उसी करोगे आप बी सी डी लिखा सी वन सी टू लिखा अब ए की जो वैल्यू है जो ए की वैल्यू थी जो कि गिवन थी किसमें क्वेश्चन में क्वेश्चन में. में जैसे था ए वन वन उसको किससे करोगे वन वन से फिर ए वन वन को थ्री पॉइंट सिक्स सेवन टू पॉइंट सिक्स सेवन से करोगे ठीक है पुराने वाले से नहीं करना नए क्लस्टर के साथ आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है इस तरह से जब आप फाइंड करोगे तो आपके पास सी वन ए सी वन ए सी टू बी सी वन बी सी टू सी सी वन सी सी टू डी सी वन डी सी टू के लिए वैल्यूज तो आपके पास जनरेट हो जाएंगे ठीक आपने यहाँ पे पुटिंग की देन स्टेप थ्री आपके पास आ गया मेक क्लस्टर जब आपने दोबारा से क्लस्टर्स क्रिएट करने क्लस्टर्स कैसे क्रिएट क्लस्टर करोगे आप देखोगे ए सी वन में छोटा है या बी सी टू में छोटा है सी वन में छोटा है

3 पे हमारे पास दो जो क्लस्टर्स थे वो रिसेंटली जो बने हैं हम उनको अब यूज करेंगे इसी तरीके से हमने दोबारा से डिस्टेंस ऑफ फाइंड किया हमने टेबल बनाया हमने सारों का डिस्टेंस फाइंड किए डिस्टेंस फाइंड किया हमारे जो हमारी वैल्यूज पुट हुई है वो हमने यहाँ पे टेबल में पुट की देन हमने देखा कि हमारे पास प्लॉटिंग कहाँ कहाँ हो रही है ए बी जो है वो सी वन में है और सी डी जो है वो सी टू में है अब अब देखो हमारे पास एट्रेशन रुक गई क्यों जो हमारे पास क्ल... हम क्लस्टरिंग के आइट्रेशन को तब रोकते हैं जब हमारे पास क्लस्टर आना सेम हो जाते हैं मतलब आइट्रेशन वन की ठीक है ओके हमारे पास एक, बन एक की, पास क्लस्टर बन गए दो दो की हमारे पास वही क्लस्टर दोबारा बन रहे हैं आइट्रेशन फोर की फिर वही दो क्लस्टर क्लस्टर दोबारा बन रहे हैं मतलब हम जितनी भी आइट्रेशन करते जाएंगे हमारे पास वही आंसर सेम आ रहा है रिमेनिंग जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है वही सेम आ रही है तो हम आइट्रेशन करना स्टॉप कर देते हैं ठीक जैसे देखो मैं आप लोगों बताती जब हम पे पे थे टू थी टू पे हमारे पास क्या क्लस्टर्स बने थे सी वन के लिए ए बी और सी टू के लिए सी तो डी तो अगर मैं आइट्रेशन फोर पे जाऊंगी तो भी सी वन के लिए ए बी और सी टू के लिए सी डी ही बनेंगे मतलब कि अब हमारे जो क्लस्टर्स हैं जो हमारा डेटा सेट था वो सबसेट में कन्वर्ट होके हमारे क्लस्टर्स बन गए हैं अब हम किस पे आएंगे स्कैटर प्लॉट बनाने की तरफ अगर आप लोगों को भूल गई नहीं समझ आ रही मिक्सअप होगी ठीक तो आप लोगों ने पहले क्या करना है आप लोगों ने देखा कैसा के मीन में नहीं समझ आ रहा क्या, क्या करना था ठीक है एज्यूम तो कर सकते हो दो क्लस्टर एट्रेशन मन लिखो स्टेप मन लिखो दो क्लस्टर एज्यूम कर लो ठीक है अब उसके बाद नहीं याद आ रहा मिक्स हो गया क्या करना था क्या नहीं करना था ओके डन कोई बात नहीं कोई मसला नहीं है आप लोगों को नहीं नहीं याद याद आ रहा डिस्टेंस फाइंड करना था आपको आ रहा कि आधार मिनिमम फाइंड करना था आप स्कैटर प्लॉट बना दो ठीक है स्केटर प्लॉट बना दो आप मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्वेश्चन छोड़ देना बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं करना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत ही आसान आसान क्लस्टरिंग के एलग्रदम्स है मशीन लर्निंग के अंदर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ठीक है अगर आप लोग एक से दो बार दो प्रैक्टिस करोगे बैठकर तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कोई इतना हार्ड एंड टफ काम नहीं है ठीक है बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ समझ नहीं आएगा बहुत आसान है बट वो इनके स्कैरिंग के अगर अगले बंदे के दिमाग से निकल जाए तो क्या करना है किस तरह से आप नंबर ले सकते हो स्केटर प्लॉट बनाने के लिए आपको पूरे क्वेश्चन में से किसी एक चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती आपको आंसर सोल्यूशन में से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी स्केटर प्लॉट बनाने के लिए आपको सिर्फ आपके डेटा सेट क्वेश्चन की जरूरत है ए कहाँ प्लॉट होगा वन वन पे प्लॉट होगा ए हमारा कहाँ प्लॉट होगा वन वन पे तो वन वन वेट मैंने इसको कह दिया है और आई पी के पॉइंट पीके इंडेक्स है दोनों यही था तो वो मैंने इसको कह दिया ठीक है न मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया टू वन फिर यहाँ पर आ गया फोर एंड थ्री एंड यहाँ पे आ गया फाइव और फोर जो कि मेरे क्वेश्चन में थे वन वन टू वन फोर थ्री फाइव फोर ठीक यहाँ से मेरा हो गया क्या स्केटर प्लॉट फॉर्म ठीक अब आज के लेक्चर हम देख लेते हैं क्या था हमारे पास हमने मेन पढ़ा कि हमारे पास क्लस्टरिंग क्या होती है क्लस्टर को हमने ग्राफिकल फॉर्म में देखा क्लस्टर जो होती है वो हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग में होती है ठीक देन हमने उसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखी एप्पल्स वाली कैसे काम करता है फिर हेरालकल क्लस्टरिंग क्या होती है उसमें दो मेन क्लस्टर्स कौन सी होती है हमने केमिन के बारे के में पढ़ा एग्लोमेरेटिव जो होगी हम हमारे ने नेक्स्ट में ने पढ़ेंगे ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच